हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है, क्योंकि उनको समझना चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। आज से कुछ अरसा पहले तक भी इंडियन रूलिंग जमात बीजेपी ऑलमोस्ट सर्टिन थी कि मोदी साहब अगला इलेक्शन 2024 का जीत जाएंगे और तीसरी मर्तबा इंडिया के प्रधानमंत्री बनने का ओथ उठा लेंगे। लेकिन इलेक्शन से पहले, कुछ महीने पहले, कुछ ऐसी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई इंडिया के अंदर जिस वजह से बीजेपी नर्वस है। और वो डेवलपमेंट्स ये हुई कि एक तो इंडिया की जो अपोजिशन जमातें हैं वो सारी की सारी मिल गई। पहले ये अलग अलग थी ना, एक एक करके बीजेपी से कम्पीट करने की कोशिश कर रही थी। इनमें सबसे बड़ी जमात कांग्रेस पार्टी थी, जो कि जाहिर सी बात है पूरी इंडिया के अंदर मौजूद है, लेकिन कुछ और भी पावरफुल रीजनल पार्टीज ज़रूर मौजूद हैं जो कि बीजेपी को टफ टाइम दे रही होती हैं, लेकिन उनका जो एरिया है वो लिमिटेड है। जैसे कि ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल के अंदर हैं, तो स्टालिन साहब जो हैं वो तमिलनाडु के अंदर हैं, इसी तरह से केरला की पार्टियाँ हैं और दीगर जो पार्टियाँ हैं। नाउ इन सब का इकट्ठे हो जाना इट मीन्स के इस अलायंस के पास मोर देन 50% वोट शेयर मौजूद है इंडिया का, तो इनका अगली हुकूमत बनाना ऑलमोस्ट सर्टिन नजर आता है। ऐसे में बीजेपी पैनिक में तो थी ही, लेकिन एक जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि ये जो अलायंस बना है ना, एंटी बीजेपी अलायंस, इन्होंने अपना नाम इंडिया रखा था। अब इंडिया जब इन्होंने अपना नाम रखा तो बीजेपी के खेमों में, बीजेपी के कैंप्स में हमें बेचैनी सी नज़र आई। और उसका जो पहला इजहार हमें नज़र आया वो आरएसएस, जो कि बीजेपी की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है और अक्सर बीजेपी के लिए ग्राउंड पे काम यही कर रहे होते हैं। उनका जो वोट बैंक जहाँ पर भी बनाना होता है तो पहले आरएसएस लॉन्च होती है वहाँ पर। तो आरएसएस के चीफ ने बयान दिया था कि इंडिया जो शब्द है उसका प्रयोग करना छोड़ देना चाहिए। हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। उन्होंने कुछ रोज पहले गुवाहाटी में भी और नागपुर में भी दो जगहों पर खिताब करते हुए इस मुद्दे को छेड़ा और उन्होंने कहा था कि इंडिया वर्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसमें से गुलामी की बदबू आती है, ये दूसरों ने हमें नाम दिया था। तो उन्होंने कहा कि भारत यूज़ करे वर्ड, और इंडिया ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है तो भारत वर्ड यूज़ करें। अब ये असल में पैनिक था, इट वॉज अ साइन ऑफ पैनिक, क्योंकि इनको अभी याद आ रहा है मोदी तो 10 साल से लेकर प्राइम मिनिस्टर है, तो उस वक्त तो उनको याद नहीं आया, उस वक्त तो ये खुद इंडिया बोल रहे होते थे। लेकिन अब चूंकि अपोजिशन ने इंडिया अपना नाम रखा है अलायंस का, तो इनको फिर याद आ गया कि यार हमारे मुल्क का नाम तो भारत है। नाउ ये जो सारी एक्सरसाइज है ना इंडिया को रीब्रांड करने की, इसमें कोई फायदा तो नहीं होगा। लोगों की मर्जी है इंडिया बोले, भारत बोले, हिंदुस्तान बोले, ये सारे टर्म्स इंडिया में ऑलरेडी यूज हो रहे होते हैं। लेकिन ये है कि 14,000 करोड़ का चूना ज़रूर इंडिया को लगा है, 14,000 करोड़ रुपए लगेंगे रीब्रांडिंग पे, यानी कि ये जो सरकारी लिखपढ़ है, सरकारी कागजात, सरकारी बिल्डिंग्स के ऊपर जहाँ जहाँ इंडिया लिखा हुआ है वहाँ पर रिप्लेस करना, ये सारा इसमें 14,000 करोड़ लगेंगे। तो एक फजूल किस्म की एक एक्सरसाइज और पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्सरसाइज, लेकिन फाइनेंशियली इंडिया को उसने लॉस दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको आज इंटरेस्टिंग बात ये बतानी है कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उनका रेस्पॉन्स कैसा आ रहा है इस सब के दरमियान, ये जो ड्रामा चल रहा है वहाँ पर इंडिया भारत का ड्रामा, उसके दरमियान इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको कैसे देख रही है। चाइना सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क इंडिया के लिए इस वक्त मेरे ख्याल से, क्योंकि उनका एक तो बॉर्डर क्लैशेस भी चल रहे हैं और दूसरा बिजनेस के हवाले से भी चाइना इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मुल्क है, सबसे बड़ा मेरे ख्याल से या सेकंड नंबर पर इम्पोर्ट पार्टनर है उनका। अब चाइनीज इस सारे एपिसोड को कैसे देख रहे हैं, इंडिया और भारत की जो कंट्रोवर्सी जो भी चल रही है इसको चाइनीज कैसे देख रहे हैं, इस पे बिजनेस टुडे का मैं आपको एक आर्टिकल दिखाना चाहूँगा जिन्होंने चाइना के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स को कोट किया है। बेसिकली इस रिपोर्ट के अंदर वो कहते हैं कि इंडिया और भारत, चाइना एडवाइजेज दिस
amid name change row ahead of G20 summit. India is set to host its first historic G20 summit later this week, which will be attended by delegates from group member countries and the European Union. और इसमें वो Communist Party of China का हवाला देते हुए लिखते हैं कि China's mouthpiece Global Times said that India is one of the fastest growing economies in the world and is poised to continue on this path. The Indian people have the freedom to call their country whatever they want. However, a name is not the most important thing, it said. Naam mein kya jata hai? Naam to itna important nahi hai. Logon ki marzi hai, wo apne mulk ko jo jee mein aaye wo bolte rahe. Lekin wo kehte hain mazid ke the editorial said that what matters is whether India can comprehensively reform its economic system. This is the key to India's economic takeoff and improving India's influence on the international stage. Without revolutionary reform, India cannot achieve revolutionary development. Asal mein naam mein kuch nahi jata, jo real cheez hai na wo ye hai ki India durust tarike se reforms kar sakta hai apni economy ko behtar banane ke liye ya nahi kar sakta, ye matter karta hai, naam matter nahi karta. नाम तो लोगों की मर्जी है, जिस नाम से अपने मुल्क को बुलाएं वो उनकी मर्जी है. और इसीलिए वो कहते हैं कि द चाइनीज माउथपीस आल्सो एडवाइज्ड दैट न्यू दिल्ली शुड यूज द G20 प्रेसिडेंसी टू डेमोंस्ट्रेट इट्स डिटरमिनेशन टू रिफॉर्म इट्स इकोनॉमी, एक्सपांड इट्स ओपननेस, अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोवाइड अ फेयर बिजनेस एनवायरमेंट फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स. दीज आर ऑल मोर इम्पोर्टेंट देन वेदर टू चेंज द कंट्रीज नेम. तो मेरे ख्याल से जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड इनका एक स्टंट था मोदी साहब का इंडिया को भारत के नाम से रीब्रांड करने का, इससे कोई पॉलिटिकली भी फायदा नहीं होगा. मैं देख रहा था कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे थे कि अगर नाम इंडिया का बदला गया तो हम भी अपने अलायंस का नाम बदल के भारत रख सकते हैं, ये भी ऑप्शन हमारे लिए खुला हुआ है. लिहाजा नाम से ज्यादा काम पे ध्यान देना चाहिए बीजेपी को, और इन फजूल किस्म की एक्सपेंसिव जो एक्सरसाइजेस हैं उनसे दूर रहना चाहिए. 14,000 करोड़ है एसेट जो इनिशियल एस्टीमेट्स आ रहे हैं, वो खर्चा होगा इस सारी कार्रवाई पे, नाम बदलने वाली पे. तो मेरे ख्याल से इन फजूल किस्म की चीज़ों से उनको खुद को डिस्टेंस करना चाहिए और अपनी परफॉर्मेंस पे ध्यान देना चाहिए जो कि रियल में मैटर करता है. किसी को समझने में नहीं आया, चिंता ना करे, उसको जरूरत है तो वो समझ लेगा. हमको जरूरत नहीं है सबको समझाने की, हम अपने आप में समर्थ है, स्वतंत्र है. आज दुनिया को हमारी जरूरत है, बिना दुनिया हम चल सकते हैं, दुनिया हमारे बिना नहीं चल सकती है.